नमस्कार फ्रेंड्स, जो मुझे नहीं पहचानते उन्हें बता दूं कि मैं लता सबरवाल हूं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये लुक दिखा रही हूं जो मैंने रिक्रिएट किया है। आप फोटोग्राफ में देख के समझ ही गए होंगे। यस, वंस अगेन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये गेटअप जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने नक्श की शादी में पहना था। तो थोड़ा सा पहले मैं मेकअप दिखाने से पहले इस गेटअप के बारे में आपको बताऊंगी। जब ये लहंगा मेरे पास आया, इतना हेवी था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कैसे मेकअप किया जाए, कैसा मेकअप करूं। तो क्या हुआ कि वैसे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना मेकअप खुद करूँ। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं इसमें। हालांकि ये बहुत इंडियन लुक है, लेकिन इसमें कुछ हल्का सा वेस्टर्न टच देते हैं, जैसे कि मैंने स्मोकी आईज करके किया है। आइडियली क्या होता है कि जब कभी भी हम हेवी आईज या स्मोकी आईज करते हैं तो हम लिप्स को हमेशा बहुत लाइट रखते हैं, बहुत न्यूट रखते हैं। लेकिन बिकॉज दिस कॉस्ट्यूम वॉज सो हेवी एंड द ज्वेलरी वॉज सो हेवी एंड देयर वॉज स्पेशल लाइटिंग एंड आई हैड टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो आई डिसाइडेड दैट आई वुड डू दिस लुक इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने आईज भी हेवी किए और लिपस्टिक भी ब्राइट लगाई। अच्छा, जब कभी भी आप इस तरह का हेवी लुक करना चाहते हैं, जब लिप्स भी ब्राइट रखना चाहते हैं, आईज को भी हेवी रखना चाहते हैं, तो याद रखिए ये लुक आप तभी कर सकते हैं जब कोई बहुत स्पेशल ओकेजन हो, आपको कैमरे के सामने जाना हो, या स्पेशल लाइटिंग हो, या वेडिंग हो। इस लुक को मैंने सोचा कि हम रेगुलर लाइफ में कैसे पहन सकते हैं। तो मैंने अपनी ये मेरी जो साड़ी रखी हुई थी, शायद आपने पहले भी कभी देखी होगी, रॉ सिल्क की प्लेन साड़ी थी, और ये टॉप रखा हुआ था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने सोचा चलो इस टॉप को, इस साड़ी को कंबाइन करते हैं इस लुक के साथ। तो मैंने जो है ये साड़ी और ये टॉप जो है कंबाइन कर दिया, साथ में थोड़ी सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन ली ताकि ये लुक कंप्लीट लगे। और आप जानते हैं मैं बाल बनाने में थोड़ी कमजोर हूँ, आप इस प्लीज किसी और यूट्यूबर को देखिएगा बालों के लिए, हेयर स्टाइल्स के लिए। मैं तो बस लेके एक मैसी बन सा या कुछ जल्दी वाला बना देती हूँ और ये मुझे अच्छा भी लगता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड वॉच द फुल मेकअप ट्यूटोरियल। सो वी ऑलवेज बिगिन विद सनस्क्रीन। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर दिन का टाइम है तो सनस्क्रीन लगाइए, और अगर इवनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं तो मॉइस्चराइजर, इससे आपका मेकअप फटेगा नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, जब हम शूटिंग करते हैं तो हम लोगों के चेहरे के ऊपर ना, मतलब चेहरे के पूरी जगह पर जो है बहुत तेज लाइटिंग हुई हुई होती है, काफी तेज होती है हमारी स्किन के लिए। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि शूटिंग में भी मेकअप से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँ। घर से तो मैं सनस्क्रीन लगा के जाती हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगे कि हाँ काफी टाइम हो गया घर पे जब सनस्क्रीन लगाई थी, तो मेकअप से पहले थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। उससे हमारी स्किन जो है, जो लाइट की टैनिंग होती है, उससे बची रहती है। अपने नेक पे भी अच्छे से मसाज कीजिए, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। सनस्क्रीन बिल्कुल अच्छे से लगाइए, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो वो भी अच्छे से लगाइए। तो ये है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, फाउंडेशन जो मैं लगाने जा रही हूं। ये जो आपने फोटोग्राफ देखी, इसमें जो फाउंडेशन लगाया हुआ है मैंने, वो है क्रायलिन का बेस होता है, वो लगाया है। और मेरी स्किन पर जो शेड जाता है वो है FS 26। अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह है थोड़ी वीटिश, तो FS 26 बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मैं ये डर्मा का लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्रायलिन का खत्म हो गया, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अभी तक आया नहीं है। तो मैं ये डर्मा DFD लगा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी कवरेज देता है, फुल कवरेज। बस एक स्पंज ले लीजिए, सिंपल सा कोई भी, जो भी मेकअप स्पंज अवेलेबल हो, और इसे अच्छे से इस तरह लगा लीजिए। इसे भी हम कोशिश करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि प्राइमर के बिना हम मेकअप कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। या ये सोचते हैं कि प्राइमर के बिना मेकअप टिकता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली बहुत साल पहले, मतलब जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तब तो प्राइमर्स हुआ ही नहीं करते थे। हम मॉइस्चराइजर या फिर अच्छे से सनस्क्रीन लगा के ही अपना मेकअप टिकाते थे। सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज अ प्राइमर, लेकिन हाँ, प्राइमर में भी एक नेचुरल सी शाइन होती है। आप चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी आदत है जितना हो सके मैं डैब करके मेकअप करती हूँ, थोड़ा सा फिर उसको स्प्रेड करने के लिए या मिक्स करने के लिए ऐसे करती हूँ मूव, अदरवाइज जो है वो डैप करती रहती हूँ। ये भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं ब्रश से लगाना, बट आई बिलोंग टू ओल्ड स्कूल। मुझे अभी भी जो ये पहले की ट्रिक्स है ना, स्पंज से मेकअप करना, ये सब
बहुत पसंद है और इफेक्टिव भी लगता है काफी, इनफैक्ट इजी भी। अगेन डू नॉट फॉरगेट योर नेक एरिया, बिल्कुल मत भूलिए इसे। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसका भी जवाब देती हूँ कि हमें कानों के ऊपर भी लगाना चाहिए थोड़ा सा मेकअप। आइडियली अगर बिल्कुल आप डिटेल में जाएंगे तो लगाना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी फाउंडेशन खरीदिए वो अपने स्किन टोन से बहुत मैच करता हुआ खरीदिए। बिल्कुल भी फेयर होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फेयर होना कोई स्किन का हेल्दी होने की निशानी नहीं है। फेयर है तो ठीक है, नहीं तो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो जब हमारा जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल क्लोज टू स्किन होगा तो कानों में उतना डिफरेंस नहीं लगेगा, और आप बाद में बस सिर्फ पाउडर पफ हल्का सा कर सकते हैं ईयर्स पे। क्योंकि अगर आप ये थिक बेस लगाएंगे कानों पे तो याद रखिए फिर उसे अच्छे से क्लीन भी करना पड़ेगा। सो एज आई कैन सी मेरे पूरे फेस पे ये अच्छे से सेटल हो गया है, जितनी देर डार्क करेंगे उतना अच्छा सेटल होता है। सिर्फ मैंने आई एरिया छोड़ दिया है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू अगर आप आईज पहले करना चाहते हैं या बाद में, लेकिन मैं बाद में करती हूँ। एक्चुअली जो आईज के ऊपर मैं मेकअप लगाती हूँ जो अंडर आईज में और ऊपर, वो बाकी फेस से बहुत लाइट होता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारी जो फाइन लाइन्स होते हैं और छोटे छोटे अगर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, जैसे मेरे तो हो गए हैं, तो वो नजर आने लगते हैं, और वैसे भी आंखों के नीचे बहुत हैवी मेकअप क्रैक होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सो जस्ट डैब, मिक्स इट वेल, जस्ट डैब, डोंट मूव योर स्पंज अंडर द आईज, द स्किन ओवर देयर इज वेरी वेरी डेलिकेट। थोड़ा सा टाइम दीजिए अंडर आईज में। आप देख रहे होंगे मैंने अलग से कंसीलर नहीं लगाया क्योंकि मुझे उतने ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। आपको अगर कंसीलर लगाने का तरीका सीखना है तो मेरा जो लाइव वीडियो था अपलोडेड है, हाउ टू कवर योर अंडर आईज डार्क सर्कल, वो आप देख लीजिए। नाउ द अदर साइड, आफ्टर द फाउंडेशन, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, हमेशा ये बात बोलती हूँ, क्रायलन का ये TL4 जो कि थोड़ा सा येलो दिखने वाला पाउडर है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पाउडर्स। ये ऐसा मेकअप को फिक्स कर देता है ना कि पूरा दिन मेकअप नहीं निकलता है। इवन आई थिंक मेरा तो 11-12 घंटे तक मेकअप को टचअप नहीं करूँ, थोड़ा सा संभाल के रहूँ तो बिल्कुल नहीं निकलता है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको एक पाउडर पफ के ऊपर लेना है, ऐसे देख रहे हैं आप, थोड़ा येलो लगेगा लेकिन नो प्रॉब्लम, हमारे जो इंडियन अंडरटोन होता है स्किन का वो येलोइश होता है, इसलिए बहुत अच्छे से मैच करता है। इसे मिक्स करके इसे बस हम डार्क करेंगे। एक और चीज मैं दिखाऊंगी आपको, एक और तरीके का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। इसे अच्छे से सारे फेस पे लगा लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आईब्रोज पे लग रहा है थोड़ा नजर आ रहा है तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप सेटल हो जाता है, और अगर नहीं तो आप ब्रश से आराम से ब्रश ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है अपने अंडर आईज पे लगाने के लिए, क्योंकि आपने इस गेटअप में देखा कि मैंने जो है वो स्मोकी आईज किए हुए हैं, एक तरीके के स्मोकी आईज। एक्चुअली स्मोकी आईज भी बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो वो जो है आई शैडो इतना डार्क है, हमारी स्किन पे गिरेगा तो पूरा वो डार्क डार्क लगेगा, ये पाउडर के ऊपर गिरेगा तो आप देखिएगा हम कितनी इजीली उसे ब्रश ऑफ कर देंगे। लेट इट बी विजिबल, डू नॉट वरी, डन। अब ये हमारा फाउंडेशन बेस जो है वो लग गया, अच्छे से सेट होता रहेगा, तब तक हम बाकी का मेकअप करेंगे। मिस क्लेयर का आईब्रो किट, वन ऑफ माई फेवरेट, दिस इज द शेड विच आई यूज। यहां तक हमारी आइडियल लेंथ होती है आईब्रोज की। अब आई शैडो, तो उस टाइम ये शूटिंग जो है वो करीब कुछ 2 साल पहले हुई थी, तो मुझे जहां तक याद है मैंने मेबेलिन का 24K जो आता है पैलेट उसमें से वो शेड यूज किया था। अब तो मेरे पास इस टाइम वो नहीं है, ये रेवोल्यूशन का है।
आप कोई भी जो है वो ब्लैक या ग्रे ब्लैक आई शैडो लगा सकती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो उन्हीं से क्रिएट कीजिए, आपको जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के पीछे भागे। बस ये ध्यान रखिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, और आईज के ऊपर जो हाईलाइटर लगाऊंगी उसके लिए मैं ये यूज करूंगी। तो आई शैडो के लिए ये एक खास ब्रश लिया है मैंने, ये मैं बिल्कुल बता दूं कि आई शैडो ब्रश नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक लिपस्टिक ब्रश है, इसे लिपस्टिक लगाई जाती है, तो ये जो है बहुत थिन है। अगर आप बिगिनर हैं और स्मोकी आईज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा डार्क आई शैडो कर रहे हैं जो आपको लगता है कि फैल सकता है या करेक्ट नहीं आए, सो यू कैन यूज दिस ब्रश। ये देखिए मैंने यहां से शुरुआत की है, ये मैं थोड़ा स्लोली स्लोली आराम से दिखाऊंगी आपको। और इससे जो है इस तरह से आप एक लाइन देख सकते हैं मेरी आईलेट के ऊपर जो ब्रो बोन तक एरिया है वहां तक ये लाइन लेके जाऊंगी। सी ये जो बोन है हमारी उस पे से ला रही हूं, यहां लाके मैं एज पे मैच कर लूंगी इसको लाइक दिस। एंड एज आई ऑलवेज से दैट डू बोथ द आईज साइमल्टेनियसली, अगर हम एक पूरी खत्म करके दूसरी शुरू करेंगे तो अनइवन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसी सेम जो है लाइन अब हम दूसरी साइड बनाएंगे सॉकेट। तो इस स्टेज पे मैं बिल्कुल हैलोवीन के लिए रेडी लग रही हूँ, बिल्कुल भूत जैसी लग रही हूँ, बट व्हेन दिस गेट्स कंप्लीट इट विल लुक वेरी नाइस। अब हम बाकी की पूरी आई फिल कर देंगे। So one eye is done. आप लोगों को बताऊं कि अब जो है मैं पर्सनल लाइफ में बहुत कम करती हूँ स्मोकी आईज, नेचुरल ही ज्यादा रखना पसंद करती हूँ, या फिर थिक काजल जो है स्मच करके लगाती हूँ। आपने देखा होगा मेरे 5 मिनट क्विक मेकअप में, वो मुझे ज्यादा पसंद है। बट येस ऑन स्क्रीन इन फोटोग्राफ्स फॉर मैरिजेस फॉर स्पेशल ओकेजन दिस लुक्स वेरी नाइस। बस ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे आपकी स्किन विजिबल नहीं हो, अच्छे से फुल कवरेज हो जाए। बोथ द आईज आर ऑलमोस्ट डन। अभी भी अगर आपको कहीं अनइवन लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि अब थोड़ा मैच कर लीजिए, और जैसे मुझे हल्का सा लग रहा है I still see इधर लग रहा है थोड़ा सा। Almost equal. Done. And now highlighter. आप चाहें तो सिल्वर या गोल्ड में भी लगा सकते हैं। I am applying this one. आराम से हमें लगाना है हमारे ब्रो बोन एरिया पे।
हाइलाइटर इज डन, अगर थोड़ा बहुत आपके स्मोकी आशारों पे आ गया है तो आप उसको फिर से वही जो ब्रश पहले यूज किया था उससे नीट कर दीजिए, बहुत थोड़ा सा आया। नेक्स्ट काजल, क्योंकि ये इतना ज्यादा थिक आई शैडो है, स्मोकी आईज है, इसलिए इसके ऊपर ब्लैक लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है, सो आई एम यूजिंग जस्ट दिस काजल। मेबेलिन क्लोसल काजल इज माय फेवरेट। इतना थिक किया है मैंने कि ये जो बाहर मेरी आई शैडो की लाइन है इस तक मैच हो जाए। ऐसे अंदर ऊपर की साइड जरूर लगाइए। अब काफी सारा जो है वो छोटे 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 ब्लैक स्पॉट्स आई शैडो आई मीन नीचे गिरा हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ सिंपल ब्रश एंड ब्रश इट ऑफ लाइक दिस। पूरे फेस पे भी जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे ब्रश कर देंगे। And now we are going to neaten this। ये जो काजल नीचे लगाया है इसका काफी फैलने का डर रहता है लॉन्ग आवर्स के लिए अगर लगाया है तो स्पेशली, और साइड जो है वो थोड़ी नीट कर देंगे। उसके लिए हम लेंगे ये मेबेलिन का फिट में, आप चाहें तो कोई भी और कॉम्पैक्ट जो है वो ले सकती हैं, और एक एंगुलर ब्रश उससे हम इसे नीट कर देंगे। इनफैक्ट काजल बहुत अच्छा टिकता है, इसे बिल्कुल भी नहीं फैलता। काजल के नीचे लाइन दे देंगे इसे, और उस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेच कर देंगे कि पूरा नीट हो जाए, ये बराबर का हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर जो है वो यहां पर भी फैल गया है थोड़ा, तो इसी पाउडर को लेके ऊपर का जो है वो भी इवन कर लेते हैं। बिकॉज ये इवनिंग लुक है, काफी हेवी लुक है, इसलिए अगर हम कोई भी चीज थोड़ी ज्यादा लगाते हैं तो चलेगा। मस्कारा मेबेलिन, नीचे की साइड मस्कारा की जो ब्रश है उसकी टिप से, बहुत से लोग मस्कारा जो है वो उन्हें मुश्किल लगता है लगाना, सो दे डू नॉट अप्लाई मस्कारा, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट प्लीज अप्लाई, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड मतलब बहुत इनकम्प्लीट लगता है अगर आपने इतना हेवी इतना अच्छा मेकअप किया है और मस्कारा नहीं लगाया तो। इसमें जैसे हमने ब्लैक किया है, आप चाहे तो ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, या कोई भी शेड अपनी मर्जी का कर सकती हूँ। स्मोकी का मतलब ये ही नहीं होता कि वो ब्लैक ही हो, और स्मोकी ड्यूअल टोन का भी होता है जो मैं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में दिखाऊंगी। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैं फेस कॉन्टूरिंग करूंगी। एक एंगुलर ब्रश लिया मैंने, और ये शुगर का ब्रॉन्जिंग पाउडर। अगेन एज आई ऑलवेज से, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो आप उन्हें यूज कर लीजिए। इसका शेड ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि हमारी जॉलाइन शार्प हो जाए, थोड़ा मैंने आपसे कहा था कि मैं एक और ट्रांसल्यूसेंट पाउडर दिखाऊंगी जो मैं दिखाना भूल गई, तो अभी दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें तो येलो पाउडर की जगह क्रायलिन की जगह वो भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है वैसे वो भी। दिस वन मैक का प्रेप एंड प्राइम,
ये व्हाइट कलर का होता है, थोड़ी शाइन होती है. दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. सो आवर कॉन्टूरिंग इज कंप्लीट नाउ. मिक्स इट प्रॉपरली. And now blush on, Miss Claire. आप MAC यूज कर सकते हैं, Maybelline यूज कर सकते हैं, NYX यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारे शेड्स हैं इनमें भी. आई एम गोइंग टू यूज दिस पीच शेड एंड मिक्स इट अ लिटिल बिट विद दिस पिंक. ये थोड़े थोड़े जो है वो मैं मिक्स करूंगी बहुत नेचुरली, लाइक दिस. आप चाहें तो यहाँ पर हाइलाइटर लगा सकती हैं. आई एम नॉट, बिकॉज क्या है कि आईज बहुत प्रोमिनेंट और हेवी हैं, इसलिए कुछ भी मैं और ज्यादा नहीं कर रही. एंड नाउ लिप्स, आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय लिप्स विद पेट्रोलियम जेली. आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं और बस एक टिश्यू लेके उससे वाइप कर दीजिए. लिपस्टिक करने से पहले थोड़ा फाउंडेशन लगाते हैं, तो स्पंज पे जो ये थोड़ा सा लगा हुआ था वही मैं इस पे थोड़ा सा लिप्स पे घुमा देती हूँ. नाउ आउटलाइन पेंसिल, आई एम यूजिंग दिस वन ग्लैम सीक्रेट. आप कोई भी डार्क पिंक अगर लगा रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, या जो भी आप लिपस्टिक लगा रही हैं उससे मैचिंग पेंसिल यूज कर सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम हमेशा जब आईज हैवी करते हैं तो लिप्स डार्क नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि कैमरा के सामने जहाँ लाइटिंग स्पेशल होती है, या कहीं आप स्टेज पे जा रही हैं, या शादी है, वेडिंग है, कोई मतलब बहुत स्पेशल ओकेजन है जहाँ कैमरा और लाइट्स यूज होने वाले हैं, या स्पेशल फोटोग्राफ्स क्लिक करा रही हैं, तो लगा सकते हैं. नाउ लिपस्टिक, ये कलर बार की लिपस्टिक है, ये शेड जो मैं यूज करने जा रही हूं. अगर आपने हमारा फूड चैनल देखा है संजीव जी का, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, नमक थोड़ा कम खाया कीजिए. वैसे मैं बोलती हूं लिपस्टिक हमेशा ब्रश से लगाया कीजिए. अब क्योंकि इस चैनल की बात हुई है तो मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो खाओ पियो ऐश करो विद लता संजीव, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कैसे लग रहे हैं आपको उनकी रेसिपीज. और हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है. पिंक बिंदी तो बनती है. चलिए पूरा लुक देखते हैं. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए उनके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए. लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कभी भी प्रोडक्ट्स को स्टिक मत कीजिए, बी फ्लेक्सिबल. उसकी जगह पर अगर आपको कोई मिलता जुलता और प्रोडक्ट मिलता है तो उसे यूज कर लीजिए. बस ये होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी कंपनी के हो, रेप्यूटेड हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं.